गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर सेफ इन योर होम। एंड टुडे वी नीड टू रीड इन सेक्शन सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन। आई हैव रीड इट। ओके, यू ऑल लिसन केयरफुली। नाउ वी हैव टू लेट्स स्टार्ट द लेसन। पेज नंबर 56। Meanwhile, Ashok was nervous about telling his family about Oscar and his football seasons. What if his father objected? Since he was doing his higher secondary and working as well, Shankar Rathod would accept his son to spend his weekends catching up on school work. Ironically, all the same days when Ashok was telling younger boys to study। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो आपको मालूम है कि अशोक राठौर जो थे फुटबॉल ऑस्कर जीते हुए थे, है ना? तो उन्हीं के ऊपर स्टोरी है। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए। Meanwhile, मतलब अशोक जो था फुटबॉल के बारे में क्या बोलते हैं, फुटबॉल उसको क्या था कि अपने परिवार को ऑस्कर और अपने फुटबॉल के शत्रुओं के बारे में कहते हुए उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, है ना? और इससे उन्हें यह लग रहा था कि उनके जो फादर हैं उसे हम मतलब ऑपरेट करेंगे कि उनके मना करेंगे कि तुम खरी पढ़ाई नहीं कर रहे हो और तुम ये सब चीज़ों में ध्यान दे रहे हो, ठीक है? सिंस ही वॉज डूइंग हिज हायर सेकेंडरी एंड वर्किंग एज वेल। तो वो क्या है, वो हायर सेकेंडरी में पढ़ाई कर रहा था, है ना? और उसे यह क्या, उसे ठीक भी लग रहा था कि मैं तो पढ़ाई भी कर रहा हूँ और फुटबॉल गेम्स में भी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ करके। मगर शंकर राठौर वुड एक्सेप्ट हिज सन टू स्पेंड हिज वीकेंड्स। तो बोल रहे हैं जो शंकर राठौर थे, जो उनके अशोक राठौर के जो फादर थे, उन्हें यह लगता था कि उनका बेटा जो है हफ्ते में अपने पूरे हफ्ते की जो है वह अपनी पढ़ाई करे और बीच एक दिन वह क्या है कि जो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, है ना, और जो क्या बोलते हैं, जो लास्ट जो वर्किंग डे होता है, लास्ट दिन होता है जो हफ्ते का, जो लास्ट होता है उसमें वह जो स्कूल के बच्चे हैं उनको वह पढ़ाई करवाए और कुछ समय उनके साथ वह स्पेंड करे, ठीक ना? यहाँ देखो, देयर वेयर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। Even if a boy wanted to return to school, it was often difficult convincing parents. He says, in many cases, I had to go over and persuade them, often taking others with me. But once after a few football players failed their final exams, their parents blamed Ashok. Football had become a distraction, they complained, as if nobody in their slum had failed before. Some of the parents gathered outside my home and shouted abuse. He says it was scary. मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, there were other problems as well। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अशोक राठौर जो थे वो तो बच्चों को जो पढ़ा के फिर उनके साथ फुटबॉल का भी उन्हें ट्रेनिंग देते थे, है ना? तो इसमें क्या हो रहा था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि इवन इफ अ बॉय वांटेड टू रिटर्न टू स्कूल, अगर कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए वापस जाना चाहता है, इट वाज ऑफन डिफिकल्ट कन्विंसिंग पेरेंट्स। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था उनके पेरेंट्स को कन्विंस कराने के लिए। ही सेज, वह कहते हैं, इन मेनी केसेस, बहुत से ऐसे केसेस थे, I had to go over and pursue them। बोलते हैं मैं जो कि मैं अक्सर देखा हूँ कि मैं दूसरों के वह बोलते हैं कि मैं जब जाता हूँ किसी के सामने, मतलब उन पेरेंट्स के जो ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने के लिए नहीं करते, उन पेरेंट्स के पास जाता हूँ और ऑफन टेकिंग अदर्स विथ मी, और दूसरे जो है मुझे बहुत ज़्यादा परस्यू लेने होता है समझाना। तो वो क्या करते हैं, अशोक राठौर बोलते हैं कि मैं ऐसे पेरेंट्स के पास जाता हूँ, उन्हें समझाता हूँ कि
बट वंस आफ्टर अ फ्यू फुटबॉल प्लेयर्स फेल देयर फाइनल एग्जाम्स, है ना। लेकिन एक बार क्या हुआ था, यहाँ पे देखो एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों के पास परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण कुछ ऐसे फुटबॉल प्लेयर्स जो कि परीक्षा में फेल हो गए थे, है ना, उनके माता पिता जो थे वो अशोक को दोषी ठहराते थे। क्या करते थे उससे, तो उनकी जब फुटबॉल गेम्स होता था, अशोक राठौर जो है फुटबॉल गेम्स कराते थे, बच्चों को सिखाते थे, तो उस समय क्या होता था कि वो बहुत से बच्चे जो है स्कूल ना जाके वह फुटबॉल में ज़्यादा अपना ध्यान एकत्रित करते थे, जिससे कि क्या है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा अशोक राठौर को ब्लेम करते थे। क्या बोलते थे, फुटबॉल हैड बिकम अ डिस्ट्रैक्शन, वो बोलते थे फुटबॉल जो है वो दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब वो दिमाग को दूसरी तरफ हटा देता है ना, पढ़ाई की तरफ उसे ध्यान नहीं जाने देता है, ठीक ना। तो और दे कंप्लेंट एज इफ नोबडी इज इन देयर स्लम हैड फेल्ड बिफोर, और वह बोलते हैं अशोक राठौर से कि ऐसा कभी भी ऐसा समय नहीं हुआ कि जो स्लम एरिया जो ऐसे हमारे जो गरीब घर हैं, जो हमारा जो ये झोपड़पट्टी स्लम एरिया ने जो झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं गरीब तबके के लोग, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे यहाँ के बच्चे कभी भी फेल हो सके हों, ठीक ना। सम ऑफ द पेरेंट्स गैदर्ड आउटसाइड माई होम, और अशोक राठौर बोलते हैं कि कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जो मेरे घर के बाहर खड़े होके एक बहुत ही अब्यूज मतलब शाउटेड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे, है ना, और वह बोल रहे थे इट वॉज स्कैरी, स्कैरी मतलब होता है और ये बहुत ज़्यादा मुझे भयावह लग रहा था, जो वो बाहर खड़े होके हल्ला कर रहे थे जोर जोर से, तो मुझे ये सब सुन के बहुत ही भयानक लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था कि इस टाइप का हमारे घर के बाहर हल्ला हो रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। दैट्स व्हेन अशोक्स फादर केम टू नो अबाउट इट ऑल, ही वांट हिज सन टू बी केयरफुल, बट द इंसिडेंट ओनली मेड अशोक मोर डिटरमाइंड, ही एंड स्टेट द हेल्प ऑफ टू एनजीओस टू हैव दोज बॉयज tutored for free in English, Hindi and mathematics. These NGOs also help Ashok get more kids back in school. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, that's when the father, उनके जब अशोक के फादर जब ये चीज़ सुने, ये सब चीज़ों को देखा उन्होंने और सुना, तो वो किन्हें दोष करा रहे थे, वो उनके बेटे को ही दोष करा रहे थे, है ना। और लेकिन केवल इस घटना के कारण अशोक को दृढ़ प्रतिज्ञ कर दिया, है ना, लेकिन ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इस इंसिडेंट के बारे में, इस इंसिडेंट के कारण, इस घटना के बारे में बाद उन्हें यह एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ी कि उसे दो अशासकीय मतलब दो ऐसे एनजीओस का संगठन का मदद प्राप्त हुआ, दो संगठनों का ऐसे मदद एनजीओस का मदद प्राप्त हुआ उसे, जिससे कि उन लड़कों का, है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, दे हैव दोज बॉयज ट्यूटर फॉर फ्री इन इंग्लिश हिंदी एंड मैथमेटिक्स, तो इससे क्या हुआ कि उन लड़कों का अंग्रेजी हिंदी और गणित में निःशुल्क शिक्षण प्राप्त हो पाया, उन बच्चों को क्या हुआ कि हिंदी इंग्लिश और गणित मैथ्स में उन्हें एक फ्री उनको ट्यूटर प्राप्त हो पाया एनजीओस की तरफ से, ठीक है। इन अशासकीय संगठनों ने अशोक को और बच्चों को स्कूल वापस भेजने में भी मदद किया, और यह जो एनजीओस थी उन्होंने क्या किया, एक तो फ्री बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या मदद किया उन्हें कि उन्हें स्कूल जाने के लिए भी इन एनजीओस ने ही मदद किया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। बिसाइड्स अ फ्यू सपोर्टिव NGOs, Oscars get individual donor to sponsor his footballers who are not part of the 8 teams in all age groups of the Mumbai Football League. Every child on an Oscar team has to abide by one rule. They have to attend school regularly and stay there. And Oscar doesn't want just great football players, say Ashok, we want good human beings. मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे संगठन
जैसे कि एनजीओ वगैरह थे जो, वह ऑस्कर के फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए एक निजी दानदाताओं में जिम्मेदारी ली। उन्होंने क्या किया कि जो ऐसे एनजीओ थे उन्होंने इस ऑस्कर जो फुटबॉल होता है उसमें क्या हुआ कि उन्होंने उन एनजीओ ने उनको उनके लिए एक अच्छा एक सपोर्टिव काम किया है ना। और उन्होंने क्या किया, उन सभी समूहों ने मुंबई में फुटबॉल लीग का संगठन तैयार किया। फुटबॉल लीग खेलते ना, देखे होगे आप लोग टीवीज में फुटबॉल लीग चालू होता है तो है ना, जैसे क्रिकेट का होता है फुटबॉल का गेम्स चालू होता है तो देखे हो ना कि उसमें कोई कोई स्पॉन्सर करता है ना, कोई कोई बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है स्पॉन्सर करती हैं, तो उससे क्या है उनका जो फुटबॉल गेम जो है जिसमें कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसी तरह एक एनजीओ ने भी, इस मुंबई के एक एनजीओ ने भी इनके लिए एक स्पॉन्सर तैयार किया। ठीक है, ऑस्कर दल में प्रत्येक खिलाड़ी का एक नियम पालन करते हैं। ऑस्कर जो नियम होता है उसमें एक नियम पालन किया जाता है, उन्हें एवरी चाइल्ड इन ऑस्कर टीम हैज अब्यूट बाय वन रूल है ना। इसका मतलब होता है कि एक हर एक टीम को एक ऑस्कर जो है एक रूल फॉलो करवाते हैं, दे हैव टू अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड स्टे देयर। और ये रूल था कि हर बच्चा जो है स्कूल रेगुलर जाएगा और वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करेगा है ना। एंड ऑस्कर डजंट वांट जस्ट ग्रेट फुटबॉल प्लेयर्स है ना, इससे क्या है ऑस्कर जैसे फुटबॉल खिलाड़ी को ही नहीं चाहता। अशोक ने कहा ऑस्कर क्या चाहता है कि वह खाली फुटबॉल खिलाड़ी को ही नहीं चाहता बल्कि हम एक अच्छा मनुष्य भी चाहते हैं, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी हम चाहते हैं। ये कौन बता रहा है, अशोक राठौर हमें बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, टुडे 5 years आफ्टर दैट फर्स्ट गेम अबाउट 150 बॉयज फ्रॉम अम्बेडकर नगर एंड टू नेबरिंग स्लम कमिटीज अ पार्ट ऑफ द ऑस्कर फाउंडेशन फुटबॉल प्रोग्राम। मतलब क्या हुआ, आज 5 वर्ष, मतलब यहाँ देखिए अशोक राठौर बता रहे हैं, आज 5 वर्ष के बाद प्रथम खेल जो पहला खेल चालू हुआ जिसमें कि 150 बच्चे जो हैं अम्बेडकर नगर जो कि स्लम एरिया के बगल से है ना, पड़ोसी है, वहाँ से बच्चे इस पार्ट लिए फुटबॉल गेम के लिए है ना। अब देखिए, ट्रिक ऑफ वीक फॉर 2 exciting hours टू कोचेस ट्रेन दिस यंगस्टर्स 10 dropouts इंक्लूडिंग अनिल हैव सो फार रिटर्न टू स्कूल एंड इट इज हार्ड टू फिगर आउट हाउ मेनी आर स्टेइंग ऑन बिकॉज ऑफ अशोक एंड द पावर ऑफ फुटबॉल। मतलब यहाँ क्या हुआ है, जब ट्रिक अभी मतलब सप्ताह में 3 बार 2 प्रोत्साहित घंटों में है ना, जो 2 कोच होते हैं, जो 2 कोच है ना, कोच ने जो सिखाते हैं है ना, जो गेम को सिखाते हैं उन्हें कोच बोला जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं, उन यंगस्टर को प्रशिक्षण देते हैं जो 10 स्कूल ना जाने वाले, जिसमें जो 10 स्कूल जो नहीं जाते हैं 10 ड्रॉपआउट्स, मतलब जो 10 स्कूल जो ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं है ना, उसमें से कौन थे, अनिल है ना, हैव सो फार रिटर्न टू स्कूल, तो वह सब स्कूल वापस आ गए। जो ऐसे 10 बच्चे थे, पहले आपको बताई मैं कि पहले जो स्टोरी में अशोक राठौर के जब स्टार्टिंग किया था फुटबॉल गेम, तो उसमें क्या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि स्कूल को छोड़ के निकल जाते थे और क्या करते थे, फिश मार्केट जाके फिश को टोकरियों में रख के फिश बेचना और सब ऐसे मतलब गंदी आदतों में पड़ गए थे। ऐसे जो बच्चे थे उन्होंने भी वहाँ पे आए और वो सभी बच्चे क्या किए कि ड्रॉपआउट्स चिल्ड्रंस आर कम हियर एंड दे आल्सो गो टू स्कूल, दे आल्सो स्टार्ट द गोइंग टू स्कूल। ओके, इस काम को इसके बाद देखिए और यहाँ पे है, एंड ही हैड टू फिगर आउट हाउ मेनी एंड स्टेइंग ऑन बिकॉज ऑफ अशोक एंड द पावर ऑफ फुटबॉल। और ऑस्कर से फुटबॉल उसके बाद क्या हुआ था, इस काम को रोक पाना कठिन था है ना, जो जब जो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे थे वह बच्चे स्कूल जाना चालू कर दिए है ना, इससे अशोक और फुटबॉल की ताकत के आगे कौन रुक रहा है। अब इसमें बताया जा रहा है
कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो एनजीओस ने उनकी मदद की, बच्चों की मदद की, उन्हें फ्री कोचिंग दिया, फ्री पढ़ाया, और उनसे यह रूल निकाला गया कि आप अगर फुटबॉल गेम खेलना चाहते हो तो आपको रोजाना स्कूल जाना पड़ेगा और स्कूल में आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने इस फुटबॉल गेम के माध्यम से उन बच्चों को बताया। ठीक है, अब देखिए इन 2009 अशोक वॉन टू CNN IBN रियल हीरो अवार्ड एंड विद इट अ कैश प्राइज आफ्टर टैक्सेस ऑफ 3.45 लाख। That's when my parents realized I was doing something worthwhile. Ashok smiles. My father said he was proud of me. Ashok invested some of the money in a fixed deposit for Oscar Foundation and registered it as a trust. He also bought a computer for the kids, purchased more football equipment and rented a teeny room in which some of the children received extra tuition. मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2009 में अशोक ने एक CNN IBN अवार्ड जीता था जिसमें उसे रियल हीरो के नाम से दिया गया है ना, और उन्हें एक क्रैश प्राइज दिया गया जिसमें जो प्राइस था वो टैक्सेस काट के 3.45 लाख था, है ना। और इस सब चीज़ों को देखकर उनके पेरेंट्स जो है यह रियलाइज़ किए कि हाँ, हमारे बच्चे ने कुछ ऐसा बहुत ही अच्छा काम किया है। अशोक जो है स्माइल करता है और बोलता है माई फादर सेड ही वॉज प्राउड ऑफ मी, और अशोक बोलता है कि इस सभी को देखकर मेरे फादर मुझसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड फील कराया। ठीक है, अशोक इन्वेस्टेड सम ऑफ द मनी इन द फिक्स डिपॉजिट फॉर ऑस्कर फाउंडेशन, और अशोक ने जो पैसे उन्हें मिले हुए थे उनमें से कुछ पैसे निकाल के उन्होंने ऑस्कर फाउंडेशन के नाम से डिपॉजिट करवाया, है ना। और ही ऑल्सो बॉट अ कंप्यूटर फॉर द किड्स, और उन्होंने कुछ कंप्यूटर्स खरीदे बच्चों के लिए और कुछ फुटबॉल इक्विपमेंट्स खरीदे, फुटबॉल के लिए जो जो सामान लगता है खेलने के लिए उन सामानों को भी उन्होंने इक्विपमेंट्स ने सामान खरीदे। ठीक है, और उन्होंने एक छोटा सा एक रूम रेंट पे लिया और उन्होंने एक एक्स्ट्रा ट्यूशंस भी बच्चों के लिए स्टार्ट करवाया। ठीक है, नाउ इधर देखिए, हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग, अशोक हैज लेटली बीन शिफ्टिंग हिज फोकस ऑन गर्ल्स एज वेल ऑफरिंग टू टीच हिम देम फुटबॉल। Having seen my boys, parents are actually sending these girls to play. Over the past few months, 20 girls between the age of 10 and 16 have been learning the game through Oscar, and nearly all of them have now attend school regularly. है ना, अब यहाँ पे देखिए, अब ये बहुत अच्छी बात थी, है ना, कि क्या अच्छी बात थी यहाँ पे कि इसमें वो अशोक ने बाद में लड़कियों को भी फुटबॉल सिखाने हेतु अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी अब क्या किया, अब तो बॉयज सब सीख गए, अब वह क्या किए, लड़कियों को भी फुटबॉल गेम आना चाहिए, इसके लिए उन्होंने भी यह एक प्रयत्न चालू किया जिसमें कि कुछ ऐसी लड़कियाँ थी जो 20 लड़कियाँ आई जिसमें से 10 और 16 वर्ष की लड़कियाँ थी, है ना। उन्होंने ऑस्कर खेल को ऑस्कर में अपना गेम प्रदर्शन करने के लिए आगे आया और इस सब चीज़ों को देखकर वह रेगुलर स्कूल भी जाने लगी और फुटबॉल भी खेलने की ट्रेनिंग लेने लगी। ठीक है, स्लोली बट श्योरली अ चेंज इज टेकिंग प्लेस। इंस्पायर्ड बाय अशोक, अ फ्यू मोर फुटबॉल एंड स्कूल ग्रुप मॉडल एंड ऑस्कर हैविंग स्प्रंग अप इन द अम्बेडकर नगर एंड इट्स टू नेबरिंग स्लम्स, अशोक राठौर इज स्कोरिंग हायर गोल्स। मतलब क्या हुआ, अब देखिए, लेकिन धीरे धीरे एक परिवर्तन निश्चित रूप से आया, इन सभी चीज़ों में एक परिवर्तन आया कि अशोक ने प्रेरित होकर कुछ और फुटबॉल खेलने वाले और स्कूल ग्रुप ऑस्कर के मॉडल बन गए। ठीक है, इसे सब और भी जो इस सब चीज़ों को देखकर अब क्या अशोक राठौर बहुत फेमस हो गए, तो इन सभी चीज़ को देखकर बाकी जो स्कूल्स के लोग भी थे उन्होंने भी इस ऑस्कर का
फुटबॉल में खेलने के लिए वह एक मॉडल के रूप में बन गए। वे सभी अंबेडकर नगर और दो पड़ोसी निचले दूसरे बस्तियों से थे। अशोक राठौर बड़े उद्देश्य को जोड़ रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो उनके जो स्लम एरियाज के जो कुछ बच्चे थे वह भी आ गए, और कुछ और भी जो उनके नेबरिंग लोग थे, नेबर जो पड़ोसी जगह के बच्चे थे वह भी उनके इस चीज़ को देखकर आगे आए। और इससे क्या हुआ कि अशोक राठौर धीरे धीरे एक उद्देश्य लेके जो गोल ने उद्देश्य लेके जो चल रहे थे वह उसमें बहुत ज़्यादा निपुण तैयार हुए। ठीक है, ओके, यू ऑल अंडरस्टैंड दिस अशोक राठौर लेसन स्टोरी। दिस इज योर कंप्यूटर, ओके। हियर द राइटर ऑफ द स्टोरी इज अलेक्जेंड्री बार्टोन डी सोजा। ठीक है, उन्होंने इस स्टोरी को उन्होंने ही लिखा था। ठीक है, अशोक राठौर फुटबॉल ऑस्कर। ओके, नाउ यू हैव ऑल सी इन योर बुक द मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप यू आर ऑल रिटन इन योर नोटबुक मीनिंग वॉट मीनिंग्स। ओके, देन आई हैव स्टार्टेड योर क्वेश्चन आंसर्स अदर वीडियो। आई हैव स्टार्टेड योर क्वेश्चन आंसर्स, यू ऑल राइट डाउन इन योर वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक। इन एनी डाउट टू आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप, एंड सम वर्ड मीनिंग्स आर देयर इन योर बुक ऑल्सो। यू आर see it carefully or listen all the lesson, okay. And whenever you have to any problem, you are write in your copy like that, sprawling, enrolled, interstices, urgent. These are the some meanings are words are there, na? You are all write down in your notebook, okay. Then send me in WhatsApp group, okay, beta. If any problem, you ask me, okay. Thank you. And one more thing also, that if anybody who is not deposit the tuition fees in school, please come and deposit the tuition fees. Okay? Thank you.